हाँ सर, अपना परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम राजन सिंह है, मैं ग्राम नगला पाई मैं रहता हूँ, आरसी कॉलेज में जॉब करता हूँ। तो मुझे अचानक एक डॉक्टर साहब ने बताया कि तुमको तो बहुत कमजोरी आ गई है। तो हमने किया, पता नहीं मुझे कमजोरी क्यों आ रही है। तो मैं बैठे बैठे वहाँ अस्पताल के गेट पर सुबह चाय पी रही थी, तो उन्होंने कहा तुमको, हमें तो शुगर के लक्षण मालूम पड़ रहे हैं। तो हमने ये देखे तो मेरे के हाथ पैर टूटते थे और मैं काफी, अगर चलते थे तो मुझे थकान महसूस होती थी। तो मैंने उसी समय नपवाया तो देखा तो 495। तो हम इस शुगर के बारे में जानते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अरे 495 तुम तो चल फिर रहे हो और तुमको तो बैठ के होना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा, तो हमें बड़ा चिंता हुई। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो भाई, दवा लीजिए। तो हमने कि ठीक है भाई। तो मैं आए तो हमारे एक जिला अस्पताल के फार्मेसिस्ट थे, वो परिचित थे, तो उनका मेडिकल है। तो उन्होंने कहा, उनको बताया हमने, भाई साहब हमको तो इतनी इतनी शुगर है। अरे इतनी शुगर है, तुम मार डाला, तुमने दवा क्यों नहीं ली अब तक कुछ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी को भी शुगर है, तो तुम ऐसा करो देखो जी टेबलेट खाओ और नहीं तो डॉक्टर की सलाह लो। तो हमने की ठीक है। तो मैंने, उन्होंने दवा दी मुझे, तो मैंने सुबह शाम दवा खाई। तो मैंने फिर बाद में 10 दिन बाद नपवाई तो हमारी 350 आ गई। तो उसके बाद फिर दवा खाई एक माह के बाद तो 250 आ गई। उसके बाद दवा चलती रही, मैंने 3-4 माह खाई तो 250 240 ऐसी रहती रही। तो काफी दिन मुझे दवा खाते हो गए, तो मैंने एक आयुर्वेदिक दवा देख खाई उसका नहीं। तो फिर भाई साहब अमर सिंह से मेरा संपर्क हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये भाई आप रेनाटिस खाइए। तो हमने कि ये क्या है कि आप देखिए ये रेनाटिस दवा है और आप खा के देखिए, आपकी शुगर और ये थकान कमजोरी सब महसूस बंद हो जाएगी। तो फिर मैंने इनसे डिब्बी ली तो मैंने खाए। तो मैं एक माह तक तो ये ऐसे ही खाते रहे, मतलब लापरवाही के हिसाब से कि कुछ बुरा ही हुआ। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा देखना, फिर दोबारा से उन्होंने बताया। तो मैंने इसे गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट और शाम को दोनों टाइम खाना शुरू किया, उसके बाद नपवाया तो मेरी शुगर 137 निकली। अब तो मुझे मतलब बहुत बात है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल थकान गोड़ों में ये दर्द कुछ नहीं महसूस होता है। ये दवा तो रामबाण दवा निकली। खाना खाने के बाद 137 थी आपकी।